अच्छा, हमने इससे पहले क्या बात कर ली कि टोफो ब्लास्ट के साथ क्या होगा, वो प्लेसेंटा कैसे बनाएगा, हमारी बात हो गई। हमने देख लिया कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म क्या होती है, वो बात हो गई। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म क्या होती है, वो बात हो गई, है ना। अच्छा, अब देखो, इधर देखो, अब ये मैं तुम्हारे सामने बना रहा हूँ दो लेयर्स। ये तुम्हारी एपी ब्लास्ट है, ये क्या है बेटा, ये हो गई एपी ब्लास्ट। ध्यान से समझ लो बात को। अब मैं ना नीचे कोई बना रहा हूँ ना ऊपर कोई बना रहा हूँ। तुम्हें पता है एपी ब्लास्ट के ऊपर एमनियन और एमनियो एक्टोडर्म होगी, और ये रही तुम्हारी हाइपोब्लास्ट। क्या हो गई बेटा तुम्हारी, हाइपोब्लास्ट। तुम्हें पता है हाइपोब्लास्ट के नीचे प्राइमरी यॉर्क सैक होगा, है ना। मैं बना नहीं रहा अभी। अब होता क्या है कि ये जो एपी ब्लास्ट के सेल है ना, इनको बैठे बैठे दिल चाहता है कि हम जरा अंदर की सैर करने तो चलें। इनका क्या दिल चाहता है बैठे बैठे, कि हम जरा अंदर की सैर करने तो चलें। और ये सिर्फ इनका दिल चाहता नहीं है, ये अंदर की सैर करने चले जाते हैं, ये अंदर की सैर करने चले जाते हैं। यानी इनकी माइग्रेशन शुरू हो जाती है और ये बाहर से अंदर जाने लगते हैं। अब देखो यहाँ पर एक मसला है बहुत बड़ा। वो मसला क्या है कि जब ये बाहर से अंदर जाते हैं तो नीचे क्या है, हाइपोब्लास्ट। तो ये पहले क्या करते हैं, ये पहले हाइपोब्लास्ट को धक्का देते हैं नीचे। ये पहले क्या करते हैं, ये पहले हाइपोब्लास्ट को नीचे धक्का देते हैं, तो हाइपोब्लास्ट डिस्प्लेस हो जाती है। हाइपोब्लास्ट क्या हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है। तो जब हाइपोब्लास्ट डिस्प्लेस हो जाती है तो उस बात एक गैप बन गया बीच में। अब ये क्या करते हैं, अब जो इनके सेल हैं वो इस दरमियान के अंदर आके बैठना शुरू हो जाते हैं, वो इस दरमियान के अंदर आके बैठना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इनका दिल नहीं भरता, ये कहते हैं ऐसी की तैसी, ये और अंदर जाने लगते हैं और जाके इन हाइपोब्लास्ट के सेल के बीच में घुसना शुरू हो जाते हैं। इन हाइपोब्लास्ट सेल के बीच में घुसना शुरू हो जाते हैं, यानी उंगली पकड़ाओ हाथ ही खुद पकड़ लेंगे पूरा। और आहिस्ता आहिस्ता ये क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी हाइपोब्लास्ट को गायब कर देंगे, और पूरी हाइपोब्लास्ट को गायब करके उसकी जगह खुद आ जाएंगे। हाइपोब्लास्ट डीजेनरेट हो गई, लिटरली डीजेनरेट हो गई। लिटरली क्या हुआ, वो डीजेनरेट हो गई, मतलब उस बेचारी का काम उतर गया, गरीब का। सही है। अब जब मैं देखूंगा ना तो मुझे सरफेस के ऊपर एपी ब्लास्ट अंदर दबती हुई महसूस होगी। यानी अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ, फर्ज करो मैं ऐसे देख रहा हूँ ना सामने से, इस तरीके से मैं देख रहा हूँ, तो मुझे बीच में इस जगह पर एक डिप्रेशन नजर आएगी, इस जगह पर। और ये डिप्रेशन क्यों नजर आएगी मुझे, क्योंकि सेल अंदर जा रहे हैं। देखो उसको समझना बिल्कुल आसान है, जब भी कोई चीज़ अंदर की तरफ मूव करती है ना तो सरफेस पे बैंड आ जाता है। दिखाओ ये, तो बस सुभान अल्लाह। अब देखो ये पेपर है ना, ये पेपर तो अभी बिल्कुल सीधा है, अगर मैं इसको बीच में से बैंड कर दूँ इस तरीके से, ये देखो मैं बीच में से इसको बैंड कर रहा हूँ, तो देखो जैसे ही मैं बीच में से बैंड कर रहा हूँ तो मैं सरफेस पे क्या नज़र आ रही है, डिप्रेशन नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रही है, डिप्रेशन नज़र आ रही है ना, देखो बिल्कुल वादे नज़र आ रही है। तो अब जब एपी ब्लास्ट के सेल बीच में से अंदर जाएंगे तो क्या हमें एपी ब्लास्ट के बीच में डिप्रेशन महसूस नहीं होगी, होगी ना। इसी डिप्रेशन को प्रिमिटिव स्ट्रीक बोलते हैं, इसी डिप्रेशन को क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक। तो अब बताओ प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या है, वो डिप्रेशन है जो बनी है एपी ब्लास्ट के सेल्स के अंदर जाने की वजह से। और एपी ब्लास्ट के सेल्स ने अंदर जाके क्या काम किया, उन्होंने दो काम किए, एक तो उन्होंने हाइपोब्लास्ट को उड़ा दिया, एक तो उन्होंने हाइपोब्लास्ट को उड़ा दिया, दूसरा उन्होंने बीच में एक नई लेयर बना ली। ऐसा ही हुआ है। तो अब देखो मेरी बात सुनो, जो इन्होंने हाइपोब्लास्ट को उड़ाया और उसकी जगह ये खुद आ गए, इसको अपन हम बोलेंगे एंडोडर्म। जो नई सेल की लेयर इन्होंने बीच में बनाई ये वाली, इसको अपन बोलेंगे मीजोडर्म। और ये कार्रवाई होने के बाद एपी ब्लास्ट के जो सेल बाहर बच गए वो एक्टोडर्म। समझ में आई बात। तो अब गैस्ट्रुलेशन क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थ्री जर्मिनल लेयर्स, इट्स अ प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ ना, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थ्री जर्मिनल लेयर। कौन कौन थी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। दैट इज
एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। अब तुम मुझे बताओ इन तीनों लेयर्स की सोर्स क्या थी? एपिब्लास्ट। तो ऑल थ्री लेयर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एपिब्लास्ट। तो हाइपोब्लास्ट एम्ब्रियो बनाने में कोई रोल प्ले नहीं करती। और ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? प्रोसेस बिगिन विद माइग्रेशन ऑफ सेल्स ऑफ एपिब्लास्ट इनसाइड टुवर्ड्स हाइपोब्लास्ट। एपिब्लास्ट की सेल अंदर कहाँ जाने लगे थे? हाइपोब्लास्ट। यहाँ पे इन्होंने कितने काम किए? दो काम। तो मैं हम लिखते हैं वाइल मूविंग इनसाइड एपिब्लास्ट सेल्स फर्स्ट डिस्प्लेस देन रिप्लेस हाइपोब्लास्ट सेल्स टू फॉर्म एंडोडर्म। समझ में आ गई बात? उन्होंने हाइपोब्लास्ट को पहले डिस्प्लेस किया और फिर रिप्लेस कर लिया। पहले नीचे धक्के दिया था ना उनको, उसके बाद खुद उनकी जगह आ गए। फिर क्या हुआ? अ न्यू लेयर इज फॉर्म्ड दैट इज मीजोडर्म। एक जो नई लेयर बनी उसका नाम क्या था? मीजोडर्म। और एपिब्लास्ट के जो सेल बाहर रह गए वो क्या बन गए? एक्टोडर्म। तो हम लिखते हैं रिमेनिंग एपिब्लास्ट सेल्स बिकम एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं इनको बेटा? एक्टोडर्म। समझ में आ गई बात? अब वो प्रोसेस जिसमें ये तीनों जर्मिनल लेयर बनती हैं इसको गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। और एम्ब्रियो इस स्टेज पे कहलाता है गैस्ट्रुला। क्या कहलाता है? तो गैस्ट्रुला इज नेम ऑफ एम्ब्रियो एट दिस स्टेज। तो इस स्टेज पे एम्ब्रियो क्या कहलाता है? गैस्ट्रुला। यहाँ तो बात क्लियर हो गई? हाँ, कोई सवाल किसी भी किस्म का?